ठीक है, फाइनली हमारी न्यू पीसी आ चुकी है। सो आज आप लोगों को मैं हमारे ड्रीम पीसी से मिलवाने वाला हूँ, एंड इस पीसी के अंदर मैंने कौन से पार्ट्स लगवाई है, कितने प्राइस लग गए हैं इस पीसी को बिल्ड करने में, और इस पीसी के अंदर किस लेवल की एडिटिंग एंड गेमिंग कर पाता हूँ, ये सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो साल 2020 में मेरे लिए एक सपना ही था कि काश मेरे पास एक गेमिंग पीसी एंड एडिटिंग पीसी होती जिससे मैं अपनी एडिटिंग लेवल बढ़ा सकूं एंड GTA 5 जैसे और उससे भी बड़ी गेम की एक्सपीरियंस ले सकूं। लेकिन यार फाइनली एक साल के अंदर मेरा छोटा सा सपना पूरा हो गया सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट से। तो मेरे YouTube की जर्नी तब स्टार्ट होती है जब मेरे पास 1GB रैम की एक फोन थे एंड एक छोटा सा लैपटॉप भी था, बट उसमें 2GB की रैम थे, सिंगल कोर लैपटॉप थी जिसमें GTA San Andreas जैसे गेम गंदे तरीके से लैग होती थी और बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप होती थी। ये सोचो उसमें फोटो एंड वीडियो एडिटिंग कैसे होती होगी भाई। वीडियो एडिट तो हो जाती थी जैसे तैसे लेकर वीडियो को रेंडर कर करके, लेकिन जब मैं वीडियो को एक्सपोर्ट या सेव करता था कसम से कई घंटे लग जाते थे मिनटों की वीडियो को सेव या एक्सपोर्ट करने में। यहां तक तो ठीक है, बट लैपी इतना ज्यादा हीट हो जाती थी जिससे लैप ही बंद हो जाती थी, जिससे मुझे फिर से उसे एक्सपोर्ट या सेव करना पड़ता था। मतलब भाई 2-3 घंटे वेट भी करते थे और उसके बाद वो बंद भी हो जाते थे, इतना ज्यादा दिक्कत हो जाते थे, दिमाग खराब हो जाती थी। इसीलिए मैं डेली वीडियोस नहीं ला पाता था, जैसे कि अब मैं डेली वीडियो कम से कम ले आता हूं। मेरी ड्रीम सिर्फ यूट्यूब पे वर्क करके हुआ। अगर आप भी यूट्यूब पे वर्क कर रहे हो तो आपको हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों को इक्वालिटी देनी होगी, क्योंकि आज के डेट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है भाई। अगर आप सामने वाले से अच्छा नहीं कर पाओगे तो आपकी वीडियोस नहीं चलेगी एंड बाद में आप डिमोटिवेट होकर चैनल छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। तो चलिए अब आपको हमारे पीसी के बारे में बताता हूँ, मतलब स्पेक्स के बारे में बताता हूँ। तो इस प्रोसेसर के लिए मैंने चूज करा है इंटेल 5 10th generation, क्योंकि जो मैंने पीसी बिल्ड कराया था फर्स्ट वीक मार्च 2021 को ही कराया था, तब पीसी के पार्ट बहुत ज्यादा महंगे थे। इंटेल i5 के अलावा राइजन 3600 भी थी, इंटेल से कुछ ज्यादा बढ़िया, बट इसकी प्राइस यार 1920 तक मिल रहे थे और दोनों में खास डिफरेंट नहीं थी, क्योंकि मुझे ओवरक्लॉक वगैरह नहीं करवाना है, बस ये पीसी मेरे को कुछ ईयर तक साथ देते, फिर बाद में अपन न्यू सेटअप करवा सकते हैं। तो इसीलिए भाई मैंने इंटेल i5 10th generation को चूज करा। ये वाली प्रोसेसर तब मार्केट में 13,000 के आसपास मिल जाती थी। मदरबोर्ड के लिए मैंने एक बेसिक सा मदरबोर्ड लगवाया, ये वाली मॉडल है जो कि बेस्ट है खासकर मेरी बजट के लिए। इसमें 2 ही रैम की स्लॉट है, 8-8 GB का मैंने 2 लगाया जो कि मेरे लिए इनफ है। 8 GB से भी काम चल सकती थी बट रैम की कोई दिक्कत ना है, इसीलिए मैंने 16 GB ही करा लिया। फोटो वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ग्राफिक कार्ड। मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस एंड मेन रेंज तक की ग्राफिक कार्ड चाहिए था, इसीलिए मैंने 1650 सुपर को सेलेक्ट करा और मैंने पीसी बिल्ड करवाया था तब इसकी प्राइस 18-19,000 थी, मतलब 18-19,000 तक बिक रहे थे, इतना इंक्रीज था प्राइस। और मैंने जब जनवरी मंथ में पता कराया था इसी ग्राफिक कार्ड की, तो यार 13-14 हजार में आसानी से मिल जाते थे। सोचो 1-2 महीने में इतना ज्यादा फर्क हो गया था, बट हमें तो पीसी बिल्ड कराना था, मतलब कराना था। लेकिन यार अब भी इसकी प्राइस बढ़ी हुई है, अगर आप भी पीसी भी लेना चाहते हो तो आपको पता होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था रैम के बारे में, 8 GB की रैम मैंने 2 लगवाया, 16 GB इनफ है हमारे वर्क के लिए। SSD 240 GB एंड हार्ड ड्राइव 1 TB, पावर सप्लाई एनटेक का 450 वाट की लगी है, और मेन चीज हमारे पीसी की जो कि बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही है, जिसका मॉडल है एनटेक NX 310, जिसका प्राइस है 4,000 से 4,500 रुपए, मतलब कि 4,000 से 4,500 तक की है, और प्लस एक RGB फैन 500 की है जो कि मैंने पीछे साइड एक लगवाया है। और भविष्य में इस कैबिनेट के अंदर और 4-5 ऐसे कूलिंग फैन लगवा सकते हैं RGB वाली। बाकी इसका प्राइस सिर्फ पीसी बिल्ड करवाने में 58 के आसपास हुए हैं। एंड डिस्प्ले के लिए मैंने एक मॉनिटर लिया जिसका प्राइस 5K के अंदर आता है, मतलब कि 5,000 के अंदर मैंने एक मॉनिटर परचेज करा, क्योंकि मेरी बजट तो सिर्फ 50,000 की थी पीसी की, लेकिन पीसी की प्राइस बहुत ज्यादा हो गई। एंड बेसिक सा मैंने मॉनिटर लिया, क्योंकि जो मैंने अभी पीसी को अपना रखा है, सेटअप रखा है, वो 24 इंच की मॉनिटर यहाँ पे सेट होगी, इसीलिए मैंने अभी फिलहाल काम चलाने के लिए ये वाली मॉनिटर परचेज करा। अगर बाकी इसमें और कुछ ऐड करवाना है लाइक कूलिंग फैंस, RGB फैन, तो 70K लग जाते, बट उतना बजट नहीं था, जितना ऐड करना था कर लिए। बात करें इसकी परफॉर्मेंस कैसे है, तो एग्जांपल के लिए ले लो, इस पीसी के अंदर 1080p फुल अल्ट्रा HD में GTA 5 आराम से खेल सकते हो 60+ FPS में, और बहुत ही ज्यादा मजा आती है ग्राफिक देखकर। मैंने उतना गेम नहीं खेला, बस लॉकडाउन में GTA 5 और PUBG मोबाइल एमुलेटर में खेल रहा था। इसमें गाइस PUBG मोबाइल बिना लैग के HDR में आराम से चल जाती थी। तो फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप 2021 मस्त मक्खन जैसे चलते हैं, जितना वर्क कर लो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं। और बात करें वीडियो एडिटिंग की, और वीडियो एडिटिंग की बेसिक एडिटिंग यूट्यूब वीडियोस के लिए फिल्मोरा 10 यूज करता हूं, और साथ ही एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ये सब सीखने के लिए थोड़ा बहुत यूज कर रहा हूं। और प्रीमियर प्रो अच्छी खासी एडिटिंग हो जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के, और रेंडर एंड एक्सपोर्ट भी बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो आपको ये हमारी न्यू पीसी कैसे लगी, और क्या आप भी पीसी बिल्ड करवाने का प्लान कर रहे हो, तो कॉमेंट करके जरूर बताना, एंड कुछ पूछना चाहते हो तो कॉमेंट पे पूछ सकते हो। ओके चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।